दोस्तों देखिए भारत के समुद्रों से तेल को कैसे निकाला जाता है। आपको बता दूं कि मुंबई के पास में जो अरब सागर है, सबसे ज्यादा तेल वहीं से निकाला जाता है। समुद्र से तेल को निकालने का काम काफी ज्यादा जोखिम भरा होता है, क्योंकि समुद्र का विशाल रूप काफी बार खराब भी हो जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि समुद्र से किस तरीके से इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके बाहर निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि करीब 100 साल पहले तेल का कुआं खोदना काफी आसान काम था, क्योंकि दुनिया में कई सारी जगहों पर तेल के कुएं बहुत ही आसानी से मिल जाते थे, और उल्टा लोग जब पानी के लिए कुआं खोदते तब उन्हें तेल मिल जाता था, और इसी वजह से लोग काफी परेशान रहा करते थे। लेकिन दोस्तों आज इसका उल्टा हो चुका है, क्योंकि तेल की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि सप्लाई धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। और दोस्तों कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिपोर्ट में ये बात साफ साफ लिखी है कि जिन देशों ने सबसे पहले कच्चे तेल को जमीन से निकालना शुरू किया था, अब उनके पास में तेल खत्म होता जा रहा है, और इसीलिए डिमांड को पूरा करने के लिए समुद्र में भी अलग अलग जगह से तेल निकाला जा रहा है। आजकल भारत और चाइना समेत दुनिया के सभी बड़े बड़े देश भी यही काम कर रहे हैं। तो समुद्र से तेल को निकालने की शुरुआत काफी ज्यादा मेहनत भरी होती है, और इसमें काफी करोड़ों रुपए का भी पैसा खर्च होता है, क्योंकि एक जगह से तेल निकालने के लिए समुद्र के ऊपर करीब 2 सेटअप बनाए जाते हैं। पहला तो वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर ड्रिलिंग मशीन और पंपिंग मशीन को लगाया जाता है, और इसे ही ऑयल रिग कहा जाता है, और यहीं से समुद्र से क्रूड ऑयल को बाहर निकाला जाता है। और उसी से थोड़ी दूर एक ऐसा शिप होता है जहाँ पर सभी काम करने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि समुद्र से तेल निकालने का यह काम साल के करीब 365 दिन चलता रहता है। जैसे ही साइंटिस्ट समुद्र के नीचे किसी तेल के कुएं को खोज लेते हैं, उसके बाद एक पाइप के अंदर बड़ी सी ड्रिल मशीन को लगाकर समुद्र के तल तक भेजा जाता है। समुद्र के तल पर पहुंचते ही यह ड्रिल मशीन खुदाई शुरू कर देती है, और मिट्टी और पत्थर समेत बाकी सारी चीजें अब पाइप से बाहर आने लगती है, और ये ड्रिलिंग मशीन लगातार जमीन के अंदर खोदने का काम जारी रखती है। अब समुद्र के तल में पत्थरों तक पहुंचने के बाद ये पाइप वहीं पर रुक जाता है, और ड्रिलिंग मशीन अंदर तक छेद करती रहती है। किसी भी समुद्र में पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, और इसी हाई प्रेशर से मशीन को बचाने के लिए ऊपर से पाइप के अंदर मिट्टी और पानी डाला जाता है, और ये गीली मिट्टी नीचे तक आकर इस ड्रिलिंग मशीन को ठंडा करती है, और फिर यहाँ से सारा बचा हुआ मिट्टी पत्थर दबाव के कारण फिर से समुद्र से बाहर निकल जाता है, और इस वजह से ये पाइप पूरी तरीके से खाली हो जाता है। अब जैसे ही ड्रिल मशीन ऑयल के पास पहुंचती है तो मशीन को रोककर ड्रिलर को बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर इस छेद को परमानेंट करने के लिए एक छोटा सा पाइप इसके अंदर उतारा जाता है। उसके बाद पाइप के चारों तरफ सीमेंट भर देते हैं, और फिर कई सालों तक बिना किसी दिक्कत के ऑयल को बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ तक सब कुछ सही हो जाने के बाद समुद्र के तल पर एक काफी बड़ी हाईली प्रेशराइज मशीन लगाई जाती है, जिससे कि समुद्र के अंदर भरे हुए क्रूड ऑयल के प्रेशर को अच्छे से संभाला जा सके। वरना समुद्र के तल के नीचे इतना प्रेशर होता है कि सारा तेल फटकर बाहर निकल सकता है, और वो समुद्र में मिलकर पूरी तरीके से खराब हो सकता है। इसीलिए इस तरह की मशीन को लगाकर उसके प्रेशर को संभाला जाता है, और फिर क्रूड ऑयल को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। यहाँ से जब तेल निकलकर बाहर आता है तो उसे प्रोसेसिंग करने के लिए एक दूसरी शिप पर भेजा जाता है, जहाँ पर अलग अलग मशीनों की मदद से क्रूड ऑयल को छानकर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को अलग अलग कर दिया जाता है। और दोस्तों इस काम को करने के लिए सैकड़ों लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल में ली जाती है कि उन्हें संभालने के लिए कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों इसी पूरे काम को संभालने के लिए ऑनशोर यानी कि वह लोग जो कि समुद्र के तट पर रहकर काम करते हैं, और दूसरी जगह पर है ऑफशोर जो कि ऑयल ड्रिलिंग की जगह पर रहकर सभी मशीनों को संभालते हैं। समुद्र के तट पर रहने वाले लोगों का काम ज्यादातर ऑफिस वर्क का होता है, क्योंकि इन्हें सिर्फ इस बात पर नजर रखनी होती है कि ऑयल का प्रोडक्शन प्रतिदिन कितना चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग समुद्र के बीचों बीच काम करते हैं, उनका काम ड्रिलिंग से लेकर ऑयल को प्रोसेसिंग करने तक का होता है। और दोस्तों इस पूरे सेटअप को ऑयल रिग कहा जाता है। अब आगे ये जानते हैं कि इस तरीके के ऑयल रिग वाले प्लेटफॉर्म को कैसे बनाते हैं। आपको बता दे जिन जगहों पर पानी कम गहरा होता है उस जगह पर आर्टिफिशियल आइलैंड मिट्टी की मदद से बना दिया जाता है, लेकिन इस तरीके के आइलैंड काफी समय तक नहीं टिक पाते, क्योंकि समुद्र की लहरों की वजह से ज्यादातर मिट्टी बह जाती है।
लेकिन जहां समुद्र में पानी काफी गहरा होता है उस जगह पर फ्लोटिंग रिग्स का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े से शिप की मदद से इन प्लेटफॉर्म को पहले से ही जमीन पर तैयार करवा लिया जाता है और फिर उसे लाकर ड्रिलिंग पॉइंट की जगह पर रख देते हैं। इस तरह के रिग्स में बड़े बड़े चार प्लेटफॉर्म के साथ विशालकाय और भारी भरकम एंकर लगे होते हैं जो कि समुद्र में जाते ही उसके तल से चिपक जाते हैं। और इसका डिजाइन भी कुछ इस तरीके का होता है कि तेज तूफान में भी यह बिना हिले खड़ा रहता है। और इसी प्लेटफॉर्म की मदद से समुद्र से क्रूड ऑयल को बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि समुद्र से तेल को कैसे बाहर निकालते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल की और वीडियोस देखने के लिए इन नीचे दिए गए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें।